तो हमारा टॉपिक है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के बारे में डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आइसोटॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और आइसोटॉप्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लोर करने से पहले आई वांट यू टू पे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अटेंशन टू द पीरियोडिक टेबल, जो हमारा फेवरेट और बेस्ट फ्रेंड है इस केमिस्ट्री की जर्नी में। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि मैंने कुछ लेटर्स या सिंबल्स को एक ऑर्डर में अरेंज किया है। ये क्या ऑर्डर है, हम ये ऑर्डर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो मैं आपको ये हिंट देता हूँ कि हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। इनको आप वर्टिकल लाइंस भी कह सकते हैं, इनको आप कॉलम्स भी कह सकते हैं, इनको आप ग्रुप्स भी कह सकते हैं। इसी तरीके से मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रॉ कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कह सकते हैं इन्हें, रोज भी कह सकते हैं, और पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन में इन्हें पीरियड्स भी कह सकते हैं। अब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो एक मैट्रिक्स बन जाता है हमारे पास कुछ ऐसा, जिसमें हमारे पास ग्रुप्स हैं एंड हमारे पास पीरियड्स हैं। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर इन एक्सप्लोरिंग दिस पीरियोडिक टेबल, मैं आपको एक मशवरा है, सजेशन है, एंड इनफैक्ट वी विल स्टिक टू दैट। आपकी FSC में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों मिला के जो 80% इम्पोर्टेंस है वो इन एलिमेंट्स को दी गई है जिनको मैंने यहाँ पर प्रोमिनेंट किया है। ये मतलब ये ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स एंड ये ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, इनको 80% इंपॉर्टेंस दी गई है। सिर्फ 20% इंपॉर्टेंस उनको दी है जिनको मैंने यहाँ पर इनविजिबल कर दिया या थोड़ा सा धुंधला कर दिया। तो हम भी अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो इसी तरह डिवाइड करेंगे कि 80% हम इन एलिमेंट्स को दें और 20% रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी दें। बट ऑब्वियसली हम आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुअली बिल्ड करेंगे अबाउट ऑल द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। अब मैंने अगेन इनको नंबरिंग कर दी ताकि इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि एड्रेस से मेरा क्या मुराद है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और सबसे पहले मैं जो नंबर वन एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, इसकी पोजिशन हम देखते हैं, यानी इसका एड्रेस पूछता हूँ मैं आपसे। आप मुझे बताइए इसका एड्रेस क्या है। तो आप कहेंगे इसका पीरियड नंबर वन है तो मैं यहाँ वन लिख देता हूँ, इसका ग्रुप नंबर वन है तो मैं यहाँ ग्रुप नंबर वन लिख देता हूँ। अब वेरी गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई एम गोइंग टू गिव यू इज दैट कि पीरियड नंबर की सिग्निफिकेंस है कुछ। पीरियड नंबर हमें यह बताता है कि इस एटम में कितने टोटल ऑफ नंबर ऑफ शेल्स हैं, यानी कितने टोटल शेल्स हैं। इसी तरह ग्रुप नंबर जो है हमें यह बताता है कि इस एटम के वैलेंस शेल में, यानी सबसे आखिरी शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम ट्राई करते हैं कि हाइड्रोजन के एटम को कंस्ट्रक्ट करें। कंस्ट्रक्ट करने से मुराद है कि हम बनाते हैं उसको। अब हाइड्रोजन एटम, सबसे पहले तो हाइड्रोजन या किसी भी एटम में हम सबसे पहले न्यूक्लियस आएगा, तो हम यहाँ न्यूक्लियस बना लेते हैं। उसके बाद मुझे कितने शेल्स बनाने चाहिए, हिंट ये आपके पीरियड नंबर में है। नंबर वन पीरियड का मतलब टोटल शेल ही उसमें वन है, तो मैं एक शेल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे आखिरी शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स डालने चाहिए। आप कहेंगे चूंकि इसका ग्रुप नंबर इज वन, जो हमें बता रहा है कि इसमें टोटल इसके वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसका एक ही शेल है और वही इसका आखिरी शेल है, तो इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। अब देयर इज नो सीक्रेट हियर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस एटम, देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है, नहीं पता तो याद रख लीजिए, प्लीज याद रख लीजिए कि जितने किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स के नंबर को हम कहते हैं इसका एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है वन, इसीलिए पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन है वन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर वन है। अब हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, इस अंडरस्टैंडिंग को मजीद बिल्ड करते हैं। तो कोई और एग्जांपल लें, कौन सी लें, ऐसा करते हैं एल्यूमिनियम लेते हैं क्योंकि दिस इज जस्ट राइट ओवर हियर। अब एल्यूमिनियम का आप मुझे बताइए एड्रेस क्या होगा, यानी इसका पीरियड नंबर क्या, ग्रुप नंबर क्या है। आप कहेंगे तीन, तो मैं ग्रुप नंबर तीन रख दूंगा। आप मुझे बताइए इसका पीरियड नंबर क्या है, तो पीरियड नंबर आप मुझे कहेंगे तीन है, तो मैं यहाँ पे तीन रख दूंगा। अब पीरियड नंबर हमें क्या बताता है, पीरियड नंबर हमें बताता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं।
आप मुझे बताएंगे एल्युमिनियम में कितने शेल हैं? 3 शेल हैं। ग्रुप नंबर में बताता है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे बताने में कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इस इन्फॉर्मेशन के साथ हम ट्राई करते हैं इसके एटम को बिल्ड करने की। तो बड़ा आसान है, सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि इसके शेल्स बनाते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस बनाया, अब कितने शेल्स ड्रॉ करूं मैं न्यूक्लियस के बाद? 3। वेरी गुड। वाई 3? बिकॉज इसका पीरियड नंबर 3 है, तो इसमें 3 मैंने शेल ड्रॉ कर दिए, अभी एटम नहीं डाले। अब पहले शेल में मैं 2 इलेक्ट्रॉन डालता हूँ। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्यों डाले? ये मैं आपको बता देता हूँ कि पहले शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ऐसा क्यों है इसके बारे में हम डिस्कशन रखते हैं 5th चैप्टर के लिए। हम 5th चैप्टर में जाके मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में हम 8 डाल देंगे क्योंकि वो कंप्लीट हो जाता है 8 के बाद, तो दूसरे में 8 आ गए। अब तीसरे शेल में कितने डालें? दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हियर। तीसरे शेल में हमें 3 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, और ये हमें कौन बता, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली? ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली क्योंकि ग्रुप नंबर 3 है, और ग्रुप नंबर हमें क्या बता रहा है कि वैलेंस यानी आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आने हैं। तो इसका आखिरी शेल कौन सा है? 3rd शेल। तो 3rd में हम 3 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। तो अब इसका आप एटॉमिक नंबर या पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन कैलकुलेट कर सकेंगे बड़े आसानी से। 2 + 8 = 10 + 3 = 13। तो इसका एटॉमिक नंबर है 13। इसी वजह से पीरियोडिक टेबल में इसकी जो पोजीशन हम बनाते हैं वो 13 बनती है। तो वेरी गुड सो फार सो गुड। कैन वी टेक अनदर एग्जांपल? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इनफैक्ट हम ऐसा करते हैं, हम कार्बन की एग्जांपल लेते हैं। कार्बन इज द मोस्ट, आई थिंक आई कैन हार्डली ओवर एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, क्योंकि यू एंड आई आर बोथ ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद कार्बन है। तो कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जल्दी से क्विकली, आई एम श्योर आपने प्रीवियस क्लासेस में ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को फ्रॉम ग्राउंड टू अप बिल्ड करें, सो दैट यू कैन यू कैन टेल एनीबॉडी कि व्हाट दिस पीरियोडिक टेबल इज ऑल अबाउट। आप मुझे एड्रेस क्विकली बता दीजिए। एड्रेस बताएंगे, इसका पीरियड नंबर है 2, ग्रुप नंबर है 4। हम इसको क्विकली कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हम इसमें टोटल नंबर ऑफ शेल 2 हैं, तो 2 शेल डाल देते हैं। लास्ट यानी 4th जो इसका सेकंड शेल है वो इसका वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। क्यों 4 डालें बताइए, क्यों डालें? क्योंकि इसका ग्रुप नंबर इज 4, और 4 हमें क्या बता रहा है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में आ गए जो इसका सेकंड शेल है। अब नाउ ये तो मेरे ख्याल में 5th-6th स्टैंडर्ड का भी स्टूडेंट ऐड कर सकता है कि 2 + 4 = 6, एंड हमारे पास जो नंबर आ गया एटॉमिक नंबर कार्बन का वो है 6। इसका मतलब है पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन इज 6। वेल डन। अब क्विकली हम एक लास्ट एग्जांपल करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन हमारे पास ये है, क्लोरीन का अगर हम एड्रेस देखें तो इसका ग्रुप नंबर बनता है 7 और पीरियड नंबर बनता है इसका 3। एंड अगर मैं इसको कंस्ट्रक्ट करूँ तो हम इसको एज इट इज़ कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। 3 इसमें शेल्स हैं और इसके लास्ट शेल में हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं। अगर टोटल ऐड करेंगे तो वो 17 बनेंगे। एटॉमिक नंबर इसका 17 है। एंड दैट्स इट। हाउ इजी वाज दैट? वाज इट डिफिकल्ट? आई थिंक इट वाज द मोस्ट इजी थिंग टू डू। बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आइसोटोप्स का, और अभी तक मैंने एक बात नहीं की आइसोटोप्स के बारे में। बिकॉज आइसोटोप्स के बारे में पढ़ने के लिए या जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की बारे में तो हमने बात कर ली, कितने इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो एटॉमिक नंबर हमने देख लिया तमाम एलिमेंट्स का, लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में हमने अभी बात नहीं की। अब मुझे बताइए कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर? आप कहेंगे सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, एंड इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अब हम ज़रा अपनी अटेंशन इन भाई साहब यानी न्यूट्रॉन्स की तरफ भी थोड़ी सी लेके जाते हैं अपनी अटेंशन। अब मैं यहाँ पे कुछ एटम्स लेता हूँ, ये मैंने एटम्स ले लिए हैं, वन बाय वन मैं इनको उठा के यहाँ लेके आऊँगा और इनसे पूछूंगा कि आप बताइए आपके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद वन। हम यहाँ से एक एटम लिया और हमने इधर उठा के रख दिया। अब हम इसे पूछते हैं भाई साहब बताइए आपके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये हमें बताते हैं कि मेरे अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है और मेरे अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है।
तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये तो मैंने इससे पूछ लिया, मैं आपसे पूछता हूँ बताइए इसका एटॉमिक नंबर क्या है। आप कहेंगे इसका, इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद 1 है, विच मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन भी 1 है। तो दैट मीन्स हमारे पीरियोडिक टेबल में पोजीशन 1 पे कौन से भाई साहब बैठे हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 पोजीशन पे बैठे हैं दिस एंड विच इज व्हाट, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन है। इसी तरह मैं एक और एटम लेता हूँ, उठा के यहाँ लेके आता हूँ, और उससे फिर मैं पूछता हूँ कि आप बताइए आपके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं। तो ये मुझे बताते हैं कि मेरे अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये तो मैंने इनसे पूछा, आप बताइए इसका एटॉमिक नंबर क्या। आप कहेंगे 2। तो 2 का क्या मतलब है कि हम पीरियोडिक टेबल में वापस जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 2 पे क्या है, हमारे पीरियोडिक टेबल में 2 पे है हीलियम। तो इसका मतलब ये भाई साहब हुए हीलियम। अगेन इसी तरह हम 3 एक और लेते हैं और उनसे पूछते हैं इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, वो हमें बताते हैं इतने इलेक्ट्रॉन, इतने प्रोटॉन्स और इतने न्यूट्रॉन्स हैं। यानी इसका एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 3 पे हमारी पोजीशन पे बैठे हैं लिथियम, हम उठा के लिथियम को यहाँ पे ले आते हैं। हाउ इजी और वाज इट डिफिकल्ट, वेरी वेरी सिंपल। अब हम क्या करते हैं, हमने लिथियम तक तो 1 by 1 पूछ लिया, अब मैं अगले आपको खुद ही बता देता हूँ, बल्कि यू शुड बी एबल टू इमेजिन योर सेल्फ कि ब्रिलियम जो है वो 4th पोजीशन पे, इसका मतलब ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। बोरॉन 5th पोजीशन पे, इसका मतलब बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5th है। कार्बन का तो हमने देख ही लिया, अब हम ये सारे एज इट इज लिख लेते हैं। मैं इसलिए जरा जल्दी जल्दी कर रहा हूं बिकॉज दिस इज ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन, बट वट टू डू, योर चैप्टर्स नेम इज बेसिक कॉन्सेप्ट, इवन दो यू नो दिस ऑलरेडी। ये चीजें वो हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में बड़ी डिटेल में आई एम श्योर पढ़ी होंगी, बट वी डोंट वॉन्ट टू लीव एनीथिंग ऑन चांस। तो मैं चाहता हूँ कि आप हर चीज़ को अच्छे से पढ़ें। तो बोरॉन ब्रिलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 4 है, ठीक है, उसमें 5 न्यूट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं। बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। तो अब हम क्या करते हैं, ये रिडंडेंसी हो गई, जब हमें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हैं तो हम बार बार क्यों इनका तस्करा करें, क्यों लिख रहे हैं, इनको यहाँ से गायब कर देते हैं। अब ये हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो हम यहाँ an लिख देते हैं। नाउ व्हाट टू डू, एटॉमिक नंबर तो हमने कह दिया, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी तो कहीं डालना है ना हमने, तो वो है हम क्या करेंगे, अगर प्रोटॉन्स के नंबर को ऐड कर दें न्यूट्रॉन के नंबर पे, जो भी नंबर मिलता है ये हमारे पास बन जाता है मास नंबर। तो हाइड्रोजन का 1 + 0 = 1, मास नंबर 1 है। इसी तरह हीलियम का देखेंगे 2 + 2 = 4, तो उसका मास नंबर 4 है। लिथियम का 3 + 4 = 7, ब्रिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, ये सारे इसके मास नंबर हैं। अंडरस्टूड। तो हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से स्टार्ट किया, फिर हमने अपनी डिस्कशन में न्यूट्रॉन को भी उस पार्ट ऑफ द डिस्कशन बना लिया। एंड यू नो मी बाय नाउ दैट आई लव टॉकिंग अबाउट द ऑब्जर्वेशन। वी डू सम एक्सरसाइज और वी डू समथिंग एंड देन वी ड्रॉ सम ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या है, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज यूनिक, इसीलिए हमने पीरियोडिक टेबल में जो पोजिशन दी वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेस पे दी, यानी एटॉमिक नंबर की बेस पे दी। अगर एक ही पोजीशन पे 2 लोग बैठ जाते तो फिर तो लड़ाई होती, वो कहता तू परे हो, वो कहता तू साइड पे हो। नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यूनिक है, इसीलिए हमने उनकी आइडेंटिटी, अब देखें आपका आईडी कार्ड है, मेरा आईडी कार्ड है, और अगर आपका नहीं है तो फ्यूचर में बन जाएगा, आपका आईडी कार्ड हैज टू बी यूनिक, आपके फिंगरप्रिंट्स हैव टू बी यूनिक। तो इसीलिए जो एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो यूनिक होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यूनिक हैं, इसीलिए हमने इसको कहा कि ये एटॉमिक नंबर के बराबर है। और ये तो हमें पता ही है, नेचुरली चूंकि न्यूट्रल होते हैं एटम, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब जो एटॉमिक नंबर है इसको हमने कहा है कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। और हमने एक और चीज़ देखी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्जर्वेशन व्हाट वी डिड इज कि इफ़ वी एड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो व्हाट डू वी गेट एट द एंड, जो भी नंबर मिलता है हम उसे कहते हैं ये हमारा मास नंबर है।
वेरी इंटरेस्टिंगली मैंने अभी तक आइसोटॉप्स की बात नहीं की। चले विदाउट फर्दर अडू एंड विदाउट यू नो मेकिंग यू वेट फॉर द डिस्कशन ऑफ आइसोटॉप्स, हम आइसोटॉप्स देख ही लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपकी बुक में एक एग्जांपल ली हुई है, तो मैं भी ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे एटम्स ले लेता हूँ। ठीक है जी, ये सारे एटम्स, और ये सारे एटम कौन से हैं, ये सारे हाइड्रोजन के एटम हैं। मुझे कैसे पता है ये हाइड्रोजन के एटम हैं, क्योंकि मैंने लिए ही हाइड्रोजन के एटम हैं। और आपको पता है हाइड्रोजन की पोजिशन है 1, इसका एटोमिक नंबर है 1, एटोमिक नंबर का मतलब है कि इसके प्रोटॉन्स भी 1 हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 1 by 1 उठा के इनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स काउंट करता हूँ। तो पहले सबसे पहले एक प्रोटॉन लेते हैं, यहाँ उठाते हैं और इसको देखते हैं, इसमें एक प्रोटॉन है, जैसा हमने वी एक्सपेक्टेड कि इसमें एक ही प्रोटॉन होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। और इसमें न्यूट्रॉन्स देखें तो कोई न्यूट्रॉन नहीं है, 0 है। गुड गुड ऑब्जर्वेशन, गुड गोइंग। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, हम एक और लेते हैं और उठा के यहाँ पे लिखते हैं और इसका देखते हैं एटॉमिक नंबर 1 है, तो प्रोटॉन्स हैं ही इसमें 1। बट हे, होल्ड ऑन हियर, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, वी हैव 1 न्यूट्रॉन। पहले जब हमने एक हाइड्रोजन लिया था तो उसमें तो 0 न्यूट्रॉन थे, यहाँ पे एक है, दैट इज स्ट्रेंज, इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम एक और उठा के लाते हैं, जब हम ये देखते हैं तो इसमें 2 न्यूट्रॉन्स हैं। नाउ देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन हियर। मैं सारे 1 by 1 उठा के देखता हूँ तो मुझे इन्हीं 3 में से कोई एटम मिलता है, किसी एटम में 2 हैं न्यूट्रॉन्स, किसी में 1 है न्यूट्रॉन और किसी में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो इनका क्या करें, अब ये क्या है, अब ये हैं तो सारे हाइड्रोजन ही, लेकिन इन तीनों के मास नंबर्स डिफरेंट हैं। अगर मैं 1 + 0 करूं तो आंसर आता है 1, मैं 1 + 1 करूं आंसर आता है 2, मैं 1 + 2 करूं तो आंसर आता है 3, और ये 3 क्या है, मास नंबर है। तो हमारे पास मास नंबर 3 आ गए, एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियसली सेम ही होना था। क्यों सेम होना था, क्योंकि हमें पता है ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो ये सब मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों हाइड्रोजन की ही टाइप्स हैं, और इनको हम नाम भी अलग अलग दे देते हैं। जिसका नंबर 1 है, यानी जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, उसको हमने ऐड किया, 1 + 0 आंसर आया 1, तो उसको हमने प्रोटियम का नाम दे दिया। आपने प्राइमरी से याद रखना है प्रोटियम 1, डबल से ड्यूट्रियम याद रखना है क्योंकि इसका 2 मास नंबर है, इसी तरह 3 से क्योंकि इसका मास नंबर 3 है, और इसको हमने नाम भी मिलता जुलता दिया है ट्रिटियम। तो ये सब क्या है, ये सब हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, बट दिस वॉज रियली इंपॉर्टेंट। हम डेफिनेशन पढ़ सकते थे, डेफिनेशन FSC में लिख सकते थे, एंट्रेंस एग्जाम में एग्जामिनर जो है ही विल टेस्ट समथिंग वेरी डीप एंड प्रोफाउंड। अब मैं आपको एक आई शेयर वन थिंग विद यू। Obviously, I did my electrical engineering from UET Lahore, और UET Lahore का जो entrance exam है used to be, and I know still is very tough. तो after many years, I came to know कि जो paper setter हैं वो हमारे ही एक teacher हैं, हमारे department के एक teacher थे, और उन्हें for many years he was the paper setter of entrance exam of UET Lahore. वो जो teacher हैं, he was the toughest I have ever come across in my life, and I think he was the toughest personality. तो आप अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हजारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं, तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो e-learning प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। And don't forget to like this video and subscribe to our channel. धन्यवाद।